इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जय घोष और विजय घोष, ये दोनों सगे भाई। एक बार जय घोष बनारस नगरी के नदी पर स्नान करने के लिए गया। वहां उसने एक दृश्य देखा, बड़ा अनूठा दृश्य देखा। एक मेंढक मछली को निगलने का प्रयास कर रहा है। उस मेंढक को सांप निगलने का प्रयास कर रहा है और उस सांप को कुररी पंछियां करके उठा रही है। उसने उस दृश्य को देखा है, कि मौत के मुंह में होते हुए भी दूसरे को मौत देते हुए बाज नहीं आ रहे। मेंढक मौत के मुंह में, सांप मौत के मुंह में, और फिर भी दूसरों को तकलीफ देना नहीं छोड़ रहे। और उस दृश्य को देख करके उसको लगा कि दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। सारे दुख के मौत के मुंह में होते हुए दूसरे को भी मौत के मुंह में ले जाते हैं। मौत के मुंह में रहते हुए दूसरे को मौत में लाना बहुत झटका लग गया उसको। क्या ऐसा ही संसार है? क्या ऐसी दुनिया है? क्या ऐसा ही जीना पड़ेगा मुझे? और उसने नदी में छलांग लगाई और छलांग लगा करके वो नदी के दूसरे किनारे पहुंचा। वहां उसको श्रमण मिले। उन श्रमणों के पास उसने अपने मन की व्यथा रखी, ये क्या संसार है? जिन पलों में मुक्ति की साधना होनी चाहिए उस पलों में भी व्यक्ति दूसरे को मारता है, ये क्या खेल चल रहा है? मुझे किसी ने पकड़ा है, मैं किसी को पकड़ रहा हूं। जरा देख लीजिए अपने जीवन में आप लोग क्या करते हैं। किसी को आप पकड़ते हैं, कोई आपको पकड़ता है, कोई आपको टॉर्चर करता है, आप उसको टॉर्चर करते हैं। ये सारा वायरस आगे बाईपास करने की टेक्निक कब तक चलेगी? मुझे किसी ने परेशान किया इसलिए मैं दूसरे को परेशान कर रहा हूं, ये चक्र टूटेगा कैसे? तो श्रमणों ने उसको बहुत दिया है, दिन शासन का अनुराग दिया है। नहीं तुम्हें कोई मौत के मुंह में ले जा सकता है यदि तुम यमदूत न बनो। तो तुम यमदूत बन के रहोगे तो तुम्हारे दोस्त यमदूत ही बनेंगे। तुम मुक्ति के दूत बन जाओ तो तुम्हें भी मुक्ति के दूत ही मिलेंगे। और जय घोष फिर वापस लौटा ही नहीं, उसने दीक्षा ले ली। वो चल पड़ा परमात्मा के रास्ते पर, भूल गया सारा यज्ञ याग वेद सब भूल गया और जीवन का एक रास्ता मिल गया उसको। सच्चा ब्राह्मण बन गया। पहले वो जन्म से ब्राह्मण था, अब वो जीवन से ब्राह्मण हो गया। और ब्राह्मण बनने में उसको जो आनंद आया उसको लगा कि जिस आनंद को मैं ले रहा हूं वो आनंद मेरे भाई को देना चाहिए, मेरे भाई ने भी इस आनंद के मार्ग पर आना चाहिए, मेरे बंधु ने भी इस मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। और ये तमन्ना मन में लेकर के, अरमान लेकर के, गोल लेकर के, लक्ष्य लेकर के, ध्येय लेकर के, प्रयोजन लेकर के वो वापस बनारस नगरी आया है। मास्कमन के पारने के लिए चला है।
केवल इच्छा से मंजिलें नहीं मिला करती हैं। इच्छा पूरी करने के लिए अंदर में शक्ति भी लगती है, और तप का बल लेकर के वो चला है और गया सीधा अपने भाई के आंगन में। भाई यज्ञ कर रहा था, यज्ञ के लिए बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे, जाकर के वह भिक्षा के लिए खड़ा हो गया। एक खड़ा हुआ था हरिकेशी और एक खड़ा हुआ है जय घोष। जय घोष के साथ कोई देवता नहीं है, जो स्वयं ही देवता है। और जय घोष ने जैसे वहां पर जाकर खड़ा रहा है, तो विजय घोष ने उसको देखा लेकिन पहचाना नहीं। सगे भाई ने सगे भाई को नहीं पहचाना, क्योंकि जब वो खो गया था तो किसी ने देखा होगा उसको छलांग लगाते हुए, मिला नहीं तो लोगों ने, परिवार वालों ने सोचा कि नमोरिहंता नम राम नाम सत है। तो राम नाम सत कहते लोगों को देर ही नहीं लगती है। रिश्ता तोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरा भाई होगा। और वो आया है भिक्षा लेके नहीं गए, और विजय घोष ने कहा कि नहीं, ये भिक्षा श्रमण को नहीं दी जा सकती। ऐसे ब्राह्मण हमको बहुत मिलते हैं, वो जैनियों में मिलते हैं, वो ये भिक्षा तुमको नहीं मिलेगी कि तुम हमारे स्ट्रक्चर में नहीं हो। नहीं भाई, तुम्हारे स्ट्रक्चर में, छोड़ दे। विजय घोष ने कहा कि यह भिक्षा तुमको नहीं दी जा सकती है, ये अन्न तुमको नहीं दिया जा सकता है, ये अन्न उनको दिया जा सकता है। जे ये व्यय विपा जन्नठा ये जे दिया, जो ये संग विजय जे ये धम्मा न पार गाय, जे समर्था समुदत्तुम परापानमे वय तेसिम अन्नमेनम दयम भो भिक्कु स्वकामियम। ये जो सर्वश्रेष्ठ आहार है उनको दिया जाएगा, जो वेदज्ञ है, जिनको वेद के सारे अर्थ पता है, जो यज्ञ करते हैं और जो ज्योतिष के सारे अंगों को जानते हैं, जो धर्म के पारगामी, जो धर्म के मास्टर है, और जो स्वयं का और दूसरे का उद्धार करने में समर्थ है। जे समर्था समुदत्तुम परमात्मा नमे वे, उनके लिए अन्न देने वाला है, ये तुम्हें मिलने वाला नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। मैं चाहूंगा कि उस गाथा का उच्चारण आप करें, नवी गाथा है। सो तथ एवं बड़े सिद्धो जाएगे न महामुनि, नवी रुटो नवी तो उत्तम ठ गवे सवन नठ पान ए वो मा नवी निभानाय वाते से विमोख नठाए। लक्ष्य सामने, देह सामने, विजय घोष को मोक्ष के रास्ते पर लाना, ये लक्ष्य सामने। बोलते समय मंजिल क्लियर होनी चाहिए। मैं किस लिए बोल रहा हूं, तीर चलाने के पहले निशाना तय हो जाना चाहिए, और जय घोष का निशाना बिल्कुल पक्का है। और जिनके निशाने पक्के होते हैं उनके तीर कभी चुकते हैं, और जिनके निशाने क्लियर नहीं होते उनके तीर अंधेरे में चलते हैं। एक व्यक्ति तीरंदाजी कर रहा था, और एक एक दिन देखा कि इसके सारे तीर बिल्कुल निशाने पर लगे। आपको पता है ना, कोई तीरंदाजी का जब एहसास करते तो गोल बनता है और गोल के बीच में सेंटर रहता है, सेंटर पर तीर चलना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने देखा कि इसके सारे निशाने पर तीर लगे, एक भी तीर इसका निशाना चुक करके नहीं गया। बड़ा आश्चर्य लगा उसको। उसके पास गया और पूछा, बोले ये कला मुझे सिखाएंगे? बोले बहुत एजी है, उसमें क्या बड़ी बात है, बोले बहुत एजी कला है।
बोले क्या? बोले पहले तीर चलाना और फिर निशाना बनाना, पहले क्या करना है और बाद में आप क्या करते हो? तीर चलाना पहले, बाद में गोल बनाना है। ऐसे ही चल रहा है जीवन, लेकिन जय घोष मुनि के पास तीर चलाने के पहले निशाना था। वो चला तब भी उसके सामने लक्ष्य था, वहां गया तब भी लक्ष्य था। नवी रुठो नवी तुठो उत्तम अठ गवे से, नवी रुठो नवी तुठो उत्तम अठ गवे से, बोलेंगे नवी रुठो नवी तुठो उत्तम अठ गवे से। ना गुस्से में आया ना खुश होना, ना गुस्से में आना ना खुश होना, केवल श्रेष्ठतम अर्थ की गवेषणा करना। उत्तम अठ गवेश, उत्तम अठ गवेश, उत्तम अठ गवेश, मैं उत्तम अर्थ की गवेषणा करूंगा। श्रेष्ठतम अर्थ की खोज में ही रहूंगा। और इसलिए ही उसने न तो अन्न के लिए, न पान के लिए, न पेट भरने के लिए, तेसी मेमुकन अठाए इमुम वयना मवी, विजय घोष के मुक्ति के लिए, विजय घोष के मोक्ष के लिए, विजय घोष को संसार से बाहर निकालने के लिए उसने बोलना शुरू किया। उसने सीधा विजय घोष की आंख में आंख मिलाते हुए पूछा, बोले क्या तू जानता है धर्म क्या है? किसी ब्राह्मण को ये पूछना है, क्या तू जानता है वेद का मुख क्या है? क्या तू जानता है यज्ञ का मुख क्या है? तू क्या जानता है ज्योतिष का मुख क्या है? जानता हो तो बता। और कौन समर्थ है स्वयं के और दूसरे का उद्धार करने के लिए? यदि तू जानता है तो बता। ईमानदार लोग थे, अपने अज्ञान को कबूल करने वाले लोग ईमानदार होते हैं। विजय घोष में तो ईमानदारी थी, वो वेद पढ़ता था लेकिन उसको पता नहीं था कि वेद का रहस्य क्या है। वो यज्ञ करता था लेकिन उसको लगता था कि यज्ञ का रहस्य मुझे मिला नहीं है। वो ब्राह्मणों को खिला रहा था, भोजन पका रहा था, सब कुछ करा रहा था, उसके ध्यान में नहीं आ रहा था कि ब्राह्मण तो स्वयं का ही उद्धार करने में समर्थ है, दूसरे का क्या उद्धार करेंगे। लेकिन वो करता चला जा रहा था, ट्रेडिशनली वर्क करता चला जा रहा था, जबकि वो जानता था कि ट्रेडिशन में कोई मजा नहीं है। फिर भी जैसे आप करते हो, पता है कुछ मतलब नहीं है, लेकिन कई करा लोग कई केला, समाज क्या कहेगा, अरे ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ट्रेडिशन फॉलो कर रहा था, लेकिन उसके मन में भी संदेह था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है क्या। ऐसे मैंने बहुत बहुत लोगों का ये सवाल पूछा। मुझे अभी तो मैंने वो छोड़ दिया पूछना, शुरुआत के दिनों मुझे एक चस्का था, कोई भी बड़ा संत मिलता, कोई भी अनुभवी संत मिलता तो उनको एक बहुत अटपटा सा सवाल पूछता मैं, तुम मत पूछना किसी को, बहुत अटपटा सा सवाल पूछता था कि मर साहब दीक्षा लेने के बाद कभी पछतावा तो नहीं मन में आया? तुम मत पूछना। क्या उत्तर मिला तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैंने बहुत संतों को पूछा कि दीक्षा लेने के बाद कभी ऐसा लगा कि दीक्षा लेकर गलती करी? ये सवाल पूछना कोई सभी को पूछा मैंने, जितने भी बड़े संत मुझे मिले सबको पूछा, लेकिन पूछते समय अकेले में पूछा, सबके सामने नहीं पूछा, कि अकेले में पूछूंगा तो असली उत्तर मिलेगा। मैं यहां भी उत्तर शेयर नहीं कर रहा हूं, ना बाद में भी आकर मुझे पूछना मत, मैं उत्तर बताऊंगा नहीं किसी को। जय घोष ने सीधा ही पूछा उसको कि तू बता है, तो जय घोष ने कहा कि आई हैव ए डाउट, मुझे डाउट है इसमें, मैं चल रहा हूं लेकिन मुझे डाउट है, तुम ही बताओ।
क्या है वेद का रहस्य, क्या है विज्ञ का रहस्य, किसको कहना चाहिए, कौन समर्थ है एक दूसरे का उद्धार करने के लिए। और तब जाकर के जय घोष ने वो चित्र सामने रखा है, वो जिन शासन का स्वरूप सामने रखा है कि कौन ब्राह्मण हो सकता है, कौन समर्थ हो सकता है। बहुत सारी डेफिनेशन दी है, सारी डेफिनेशन तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ लेकर चलते हैं। जो न सजई आगंतो पवायंतो न सुयाई रमाया जवाया नमे तवाया मुमानम। जो आने वाले को सिर पर नहीं बैठाता है और जो जाने वाले के पीछे तड़पता नहीं है, जो मिला उसके लिए जो बेहोश नहीं हो जाता है और कुछ खो गया तो जो बिलकता नहीं है, जो आर्य वचनों में, जो श्रेष्ठतम वचनों में स्वयं को तन्मय करता है, वही एक दूसरे का उद्धार, स्वयं का और दूसरे का उद्धार करने के लिए समर्थ है, जो किसी को दुख नहीं देता है, जो न हिंसयति वेनम तम वयम मुमानम। जहिता पूव संजगम नाई संगय बंधवे जो न सज्जई भोगेशु तम वयम मुमानम। जो पुरानी बातों को छोड़ता है और नई बातों को पकड़ता नहीं है, अपना कैरेक्टर देख लेना क्या है, अपनी लाइफस्टाइल क्या है, छोड़ने के लिए छोड़ते हो कि पकड़ने के लिए छोड़ते हो। जो छोड़ने के लिए छोड़ता है, पकड़ने के लिए नहीं छोड़ता है। और जो किसी भी प्रकार के लग्जरी में अंधा नहीं बनता है, वही ब्राह्मण हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।